बीजेपी लगातार अपने ही बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है, तब से रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो बीजेपी की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो क्या हुए हैं खुलासे, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी लगातार ही अपने बुने हुए जाल में अब फंसती जा रही है, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी, वही चुनावी बॉन्ड अब बीजेपी के लिए चुनाव में हार का कारण बन सकता है। बता दें कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई शुरू की। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन इस दौरान भी बीजेपी चुनावी बॉन्ड को भुनाने में लगी हुई थी, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसके पक्ष में ही आएगा। यहां तक कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड को गैर संवैधानिक बता दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद तक इन चुनावी बॉन्ड की सप्लाई चलती रही, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते उन्हें किसी को जारी नहीं किया गया। वहीं सूचना के अधिकार के जरिए जो जानकारी मिली उससे साफ हो गया है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 2024 में छाप कर उपलब्ध करवाई गई और ये खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को ही इसे अवैध बता चुका था। ये खुलासा भी हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमीशन के तौर पर सरकार से जीएसटी मिलाकर करीब 12 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सरकार लगभग 8.5 करोड़ का भुगतान भी कर चुकी है। इन बॉन्ड्स को नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापा गया और इसके लिए सरकार को 1.93 करोड़ रुपए का बिल दिया गया, जिसमें 1.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 5 साल में कुल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला, उसका 57% डोनेशन यानी आधे से भी अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में आया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।